हाय फ्रेंड्स, आइए आगे बात करते हैं वन वे अनकोवा के बारे में, या टू वे अनकोवा, थ्री वे अनकोवा पे डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक बार स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला वीडियो एक बार देख लें। ये प्लेलिस्ट का नाम है बियॉन्ड अनोवा मल्टीवेरिएट एनालिसिस, और थर्ड वीडियो है वन वे अनकोवा। यहाँ मैंने बहुत ही डिटेल में, 19 मिनट का वीडियो है, बहुत ही डिटेल में बताया है कि ये एक्चुअली होता क्या है। यही फाइल मैं एक बार जमोवी के अंदर काम कर रहा हूँ। फाइल का नाम है मेरा अनकोवा टू। इसके अंदर एग्जांपल ये है कि मेरे पास सेल्स है और मैं चेक करना चाह रहा हूँ क्या वो अलग अलग टेरिटरी के लिए सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। तो तीन चार टेरिटरी हैं, तीन टेरिटरी हैं तो हम अनोवा यूज़ कर सकते हैं। अनोवा सेल्स क्या अलग अलग टेरिटरी के लिए सेम है या डिफरेंट है? तो यहाँ पर आया कि जी कोई फ़र्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। और अगर हम इनका डिस्क्रिप्टिव चेक करें तो 3.2, 4.8, 4.5 तीनों में लगता है, पर कोई फ़र्क है नहीं एक्चुअली। ठीक है, अब मज़ेदार चीज़ आती है यहाँ पर, क्योंकि सेल्स का और एडवर्टाइजमेंट का बहुत हाई रिलेशन है। कैसे पता, चेक कर लेते हैं। सेल्स और एडवर्टाइजमेंट का जो रिलेशन है वो है 0.7। इसका स्क्वेयर करें, ऑलमोस्ट 50%, 50% चीज़ें कॉमन हैं। अब यहाँ कंसेप्ट ये आता है कि अगर एडवर्टाइजमेंट के इफेक्ट को कंट्रोल कर दें तब क्या सेल्स और टेरिटरी में रिजल्ट आएगा? इसके इफेक्ट को ख़त्म कर दें सेल्स में से, तो ये बन गया हमारा कोवेरिएट, और यहाँ पर हमारा आ जाता है वन वे अनकोवा। तो वन वे अनकोवा में एक जो नॉर्मल है हमारे होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस नॉर्मलिटी, वो तो है ही अजम्पशन। यहाँ एक है होमोजेनिटी ऑफ रिग्रेशन अजम्पशन, जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। एक बार आप यहाँ समझाया हुआ पहले दोबारा देख लीजिए, मैं यहाँ सिर्फ बता रहा हूँ कि इसको करते कैसे हैं, डिटेल वहाँ पर है। डिपेंडेंट वेरिएबल सेल्स है, इंडिपेंडेंट टेरिटरी है, और अगर मैं कंट्रोल में कुछ नहीं डाल रहा तो आप चेक कर सकते हैं ये एग्जैक्टली सेम रिजल्ट है, 2.42। और ये राइट, इसने का कोई फ़र्क नहीं है। अब मज़ेदार चीज़ आती है, एडवर्टाइजमेंट को कंट्रोल किया, कंट्रोल करते ही इसने कहा जी टेरिटरी में तो रिलेशन है, बिल्कुल अलग अलग टेरिटरी में रिलेशन, मतलब अलग अलग स्कोर है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, होमोजेनिटी ऑफ रिग्रेशन बोलता है इन दोनों का इंट्रैक्शन इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब आप देखें, अगर अलग अलग टेरिटरी में एडवर्टाइजमेंट सेम है तभी हम ये अनकोवा रन कर पाएंगे। अगर अलग अलग एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट है अलग अलग टेरिटरी में ही डिफरेंट है, तब तो इन्हीं दोनों का रिलेशन आ गया, तब तो ये सभी मैशअप हो जाएगा। तो इन दोनों का मैं यहाँ से करता हूँ, जो नीचे वाला मेनू है, ड्रॉप मेनू है इस पर, इसमें इंट्रैक्शन। अब इसका इंट्रैक्शन भी आ जाएगा, और ये इंट्रैक्शन नॉन सिग्निफिकेंट होना चाहिए। इसका मतलब है होमोजेनिटी ऑफ रिग्रेशन अजम्पशन, राइट? बाकी चीज़ें वही हैं, आप ये होमोजेनिटी ऑफ टेस्ट कर सकते हैं यूज़, ठीक है सारा। फिर आप कंट्रास्ट हम कर नहीं रहे, पोस्ट हॉक करके देख सकते हैं कि किस किस में एक्चुअली फ़र्क है, वो आ जाएगा। टेरिटरी में हम, इसमें हमारे पास टकी मेथड ही सबसे बेस्ट होता है। तो इनका कहना है ए और बी में फ़र्क है, ए और सी में फ़र्क है, बी और सी में कोई फ़र्क नहीं है। ओके, ए टेरिटरी दोनों से काफ़ी अलग है। स्कोर कितना है उनका? तो यहाँ डिस्क्रिप्टिव में इनका स्कोर आ जाएगा, ए का काफ़ी कम है बी और सी से। और इसको हम प्लॉट पे भी कर सकते हैं, प्लॉट से और बेहतर आ जाएगा। अच्छा, प्लॉट में भी तीन ऑप्शन है, आपको सिर्फ डॉट चाहिए यहाँ पे। जैसे अगर मैं नन कर दूंगा तो सिर्फ तीन डॉट आ जाएंगे, उनके लिमिट्स नहीं आएंगे, 1, 2, 3 आगे ना। स्टैंडर्ड एरर करूँगा तो उनके अपने स्टैंडर्ड एरर के साथ आ जाएंगे, और कॉन्फिडेंस इंटरवल करूँगा तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ आ जाएंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल से थोड़ा हमें ये भी पता लग जाता है कि वेरिएशंस कितनी हैं। तो जब भी वन वे अनोवा आप यूज़ करें तो इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि ये जो है, क्या ये वाकई इसी पे डिपेंड कर रहा है और किसी चीज़ पे भी डिपेंड कर रहा है? और जब हम किसी को कंट्रोल करते हैं तब इसका कंसेप्ट होता है वन वे अनकोवा। तो आप ये एक बार चेक करके देखिएगा एसपीएसएस के, और यहाँ पे रिजल्ट हूबहू सेम आते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिट है, मैं 10 मिनट का ही वीडियो बना सकता हूँ। तो मैं बार बार वहाँ करके नहीं दिखा रहा, पर आप चेक कर लीजिएगा, ये ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट आते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। सो दिस कंक्लूड्स आवर डिस्कशन ऑफ अनकोवा। थैंक यू।